वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में न्यू यूनिट वेक्टर कैलकुलस, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम इसमें 3 प्रॉब्लम स्टडी करेंगे और ये आज वेक्टर कैलकुलस का लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले के दोनों लेक्चर्स में हमने वेक्टर कैलकुलस का पूरा बेसिक बताए थे, वेक्टर कैलकुलस में यूज होने वाले सभी फार्मूलेस और सब कुछ पूरा कॉन्सेप्ट हमने इसके पहले के वीडियोज में कवर किए थे। तो अगर आपने इसके पहले के दोनों वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप यहां से देख लीजिएगा, उससे आपका वेक्टर कैलकुलस का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सभी फार्मूलेस वहां से आप अपने नोटबुक में जरूर लिख के रखिए, वो सभी फार्मूलेस का यूज करके हमें आगे चल के वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो चलो यहां से हम प्रॉब्लम्स की सीरीज स्टार्ट करेंगे और यहां आज हमें आज के वीडियो में 3 प्रॉब्लम्स कवर करना है। तो वीडियो उसके वजह से थोड़ा लंबा हो सकता है, तो पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि जो 3 प्रॉब्लम्स है बेसिक टू एडवांस जाएंगे, जो लास्ट वाला प्रॉब्लम है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में उस तरह का प्रॉब्लम आता है। तो चलो यहां पे स्टार्ट करेंगे। देखो जो 3 प्रॉब्लम्स हमें जो सॉल्व करना है वो ये आपके सामने है। फर्स्ट प्रॉब्लम बेसिक है, उसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट है और उसके बाद ये जो है ये प्रॉब्लम नंबर 3 ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलो यहां पे ये तीनों प्रॉब्लम्स वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए यहां पे क्या रूल्स क्या फार्मूलेस का यूज करेंगे, तो जैसा हमने कहा इसके पहले के वीडियोस में जो हमने बेसिक लिए थे उसी का यूज करना है। तो चलो यहां पे फर्स्ट प्रॉब्लम ये आपके सामने है, तो चलो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे। देखो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और आपने अभी भी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकॉन है उसको ऑल पे सेट करो ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो चलो यहां पे हम सॉल्व करेंगे। जैसा हमने कहा सबसे पहले हम यहां पे गिवन लिख लेंगे क्या दिया हुआ है। यहां पे फर्स्ट प्रॉब्लम है तो इसमें गिवन में 3 वेक्टर इक्वेशंस दिए हैं। देखो फर्स्ट यहां पे वेक्टर इक्वेशन है वेक्टर ए इक्वल टू यहां पे आई जे के फॉर्म में वेक्टर बी इक्वल टू एंड वेक्टर सी इक्वल टू, तीनों वेक्टर इक्वेशंस दिए हैं और यहां पे क्या फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में यहां पे फाइंड आउट करना है फाइंड ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ये जो आप देख सकते हैं यहां पे ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ये क्या है, तो ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी। इट इज अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आप इसको ऐसा भी शो कर सकते हैं जैसे यहां पे ए डॉट बी क्रॉस सी है तो हम इसको ब्रैकेट में ए वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी ऐसा भी लिख सकते हैं। इसके पहले के वीडियोस में हमने आपको जो बेसिक बताए थे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का बिल्कुल उसी का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है और ए बी सी वेक्टर्स ऑलरेडी गिवन है। तो चलो यहां पे हम गिवन में ए बी सी तीनों वेक्टर्स को हम यहां पे लिख लेते हैं। तो ये है वेक्टर ए, वन बाय वन लिखेंगे। ये देखो ये वेक्टर ए दिया हुआ है, ये वेक्टर बी दिया हुआ है, इसको हम यहां से कॉपी कर लेते हैं जल्दी जल्दी ताकि जल्दी जल्दी से ये हो जाए। तो ये देखो ये तीनों वेक्टर्स को हमने तीनों वेक्टर इक्वेशंस हमने यहां पे लिख लिए हैं और अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो हम यहां पे लिख लेंगे। क्या फाइंड आउट करना है, तो यहां पे ए डॉट बी क्रॉस सी फाइंड आउट करना है, ए डॉट बी क्रॉस सी ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इट मीन्स हमें यहां पे हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज ब्रैकेट में ए बी सी जो हमने वहां पे लिखे हैं, दैट इज ये देखिए इट इज अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको डिटर्मिनेंट में सॉल्व करना होता है, इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बताए थे, ठीक है। इसको डिटर्मिनेंट में सॉल्व करना होता है, ये लिखना एग्जाम में कंपलसरी नहीं है। आप कहेंगे ये लिखना जरूरी है क्या, नहीं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है, डायरेक्टली आप इसके बाद ये ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे अब आपको क्या करना है, ए बी सी तीनों वेक्टर इक्वेशंस में जो आई जे के जो कोएफिशिएंट्स है वो आपको यहां पे डिटरमिनेंट फॉर्म में रखना है और फिर उसको सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन देखो वेक्टर यहां पे वेक्टर ए का जो इक्वेशन है उसमें आई जे के कोएफिशिएंट्स है 1 -2 -3, सेकेंड इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स है 2 1 -1 एंड थर्ड इक्वेशन में कोएफिशिएंट है 1 3 -2। बस यही तीनों यहां पर डिटरमिनेंट फॉर्म में रखना है, तो हम रखेंगे 1 -2 -3 वेक्टर ए के कोएफिशिएंट्स, उसके बाद वेक्टर बी के कोएफिशिएंट्स है 2 1 -1 एंड वेक्टर सी के कोएफिशिएंट्स है 1 3 -2। जो यहां पे हमने निकाले वही हमने यहां पे सबको यहां पे लिख दिया, बस ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करो। अब ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करो, अगर आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो कैलकुलेटर में इसका डिटरमिनेंट जो है एक झटके में निकल जाएगा, लेकिन अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो आप इसको मैन्युअली सॉल्व करो। चलो हम इसको मैन्युअली सॉल्व करेंगे, तो मैन्युअली सॉल्व करना है तो यहां पर हम 1 लेंगे, 1 का रो और कॉलम छोड़ेंगे और जो एलिमेंट्स बचे हैं उसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, -2 +3
उसके बाद ये प्लस टू हो जाएगा, ये एलिमेंट माइनस टू है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसका रो कॉलम छोड़ने के बाद ये माइनस फोर प्लस ऑफ वन। देखो डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना वो अभी हम यहाँ नहीं पढ़ा रहे, इसके पहले ऑलरेडी हमने हाउ टू फाइंड हाउ टू सॉल्व डिटर्मिनेंट उसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाए थे, वो वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर, आपको मिल जाएगा। अभी हम जल्दी जल्दी से यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद माइनस थ्री लेंगे, माइनस थ्री का रो कॉलम छोड़ेंगे और जो फोर एलिमेंट्स बचे हैं उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये देखिए, और अब बस इसको सॉल्व करो, तो ये हो गया वन, उसके बाद ये माइनस थ्री और ये टू माइनस सिक्स, और फिर ये हो जाएगा फाइव, थ्री ज़ा 15, तो माइनस ऑफ 15, ठीक है। सो 15 सिक्स 21, और तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 20। सो फाइनली हमें क्या मिल गया, ए डॉट बी क्रॉस सी हमें मिल चुका है। लिख लेते हैं एक मिनट, यही से इसको कॉपी कर लेते हैं ना, तो ये हमने यहां से कॉपी कर लिया और ये ए डॉट बी क्रॉस सी हमने यहां पे फाइंड आउट कर लिया है। जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो ये हमने फाइंड आउट कर लिए। फर्स्ट प्रॉब्लम यहां पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये फर्स्ट प्रॉब्लम जो कि काफी आसान था ये आपको समझ में आया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ। तो ये देखिए सेकंड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आपके सामने है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। इसके पहले तीन वेक्टर इक्वेशन दिए थे ए बी सी, यहां पे देखो तीन नहीं यहां पे चार वेक्टर इक्वेशन दिए हैं, ए बी सी डी चारों आई जे के फॉर्म में है, ठीक है। और यहां पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो ये देखो यहां पर एक ऐसा इक्वेशन दिया है, हमें प्रूफ करना है कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस है कि नहीं। देखो ये काफी बड़ा है, एल एच एस में LHS में और RHS में अगर आप चेक करेंगे तो LHS में इक्वल टू के लेफ्ट साइड में देखो A क्रॉस B C क्रॉस D है, इट मींस क्रॉस प्रोडक्ट, आपको क्रॉस प्रोडक्ट का यहां पे यूज करना है। और राइट साइड में देखो कहीं पे भी क्रॉस नहीं है, राइट साइड में सभी में डॉट है, देखो A डॉट C B डॉट D माइनस A डॉट D इंटू B डॉट C डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। लेफ्ट साइड में क्रॉस प्रोडक्ट, आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड को अलग से सॉल्व करो, फिर राइट साइड को अलग से सॉल्व करो, फिर जो है दोनों को कंपेयर करो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आता है कि नहीं। अगर आ गया तो हम ये लिखेंगे कि ये इक्वेशन जो है वो हमारा प्रूव हो गया, ऐसा हम लिखेंगे, यानी वेरीफाइड ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। ओके तो चलो अब स्टार्ट करें। तो सबसे पहले गिवन हम यहां पर लिख लेंगे, गिवन में क्या लिखना है, गिवन में हम चारों जो इक्वेशन दिए हैं वो हम यहां लिख लेंगे और सभी के कोएफिशिएंट्स वगैरह हम निकाल लेते हैं। तो ये है वेक्टर ए का इक्वेशन, ठीक है, वेक्टर बी का इक्वेशन हम यहां से ले लेते हैं, ये सभी को जल्दी जल्दी से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और ये है वेक्टर सी का इक्वेशन और लास्ट में है वेक्टर डी का इक्वेशन, और बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे तो पूरा समझना है आपको। ये देखो ये चारों इक्वेशन हमने यहां लिख लिए, ठीक है। और अब यहां पर आप चाहे तो चारों में यहां पे सभी के कोऑर्डिनेट कोएफिशिएंट जो है वो आप लिख सकते हैं, जैसे 1 माइनस 2 माइनस 3 वेक्टर ए के लिए कोएफिशिएंट्स है, आई जे के कोएफिशिएंट्स, उसके बाद वेक्टर बी में आई जे के कोएफिशिएंट्स है 2 1 माइनस 1, तो यहां लिख सकते हैं ब्रैकेट में 2 1 माइनस 1, उसके बाद वेक्टर सी में है 1 3 माइनस 2 एंड वेक्टर डी में है आप देख सकते हैं 2 1 माइनस 3। इस तरह से सभी के कोएफिशिएंट्स हमने यहाँ पे लिख दिए हैं और अब यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है चलो अब उसके तरफ चलते हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए क्रॉस बी इंटू सी क्रॉस डी। तो चलो हम पहले एल एच एस को सॉल्व करेंगे, एल एच एस यानी लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए क्रॉस बी, ठीक है ना, इंटू सी क्रॉस डी, ऐसा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा डिटरमिनेंट में सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो यहां पे हम दो डिटरमिनेंट बनाएंगे, ये पहले ए क्रॉस बी के लिए, ठीक है, और फिर इनटू सी क्रॉस डी के लिए, ठीक है ना, दोनों के लिए। तो चलो यहां पे बनाते हैं। तो यहां पे ए क्रॉस बी आपको यहां करना है ये फर्स्ट वाले डिटरमिनेंट में, तो यहां पर फर्स्ट रो में आपको लिखना है आई जे के, ठीक है, और यहां पर भी फर्स्ट रो में आएगा आई जे के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेकंड रो में क्या आएगा, तो सेकंड रो में यहाँ पे ए क्रॉस बी करना है, तो सेकंड रो में ए के कोऑर्डिनेट्स आएंगे और थर्ड रो में बी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो देखो ए के कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ ऑलरेडी निकाले 1 माइनस 2 माइनस 3, यहाँ लिख लेंगे 1 माइनस 2 माइनस 3, एंड थर्ड रो में बी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 2 1 माइनस 1, तो यहाँ लिख लेंगे 2 1 माइनस 1, ठीक है। इस तरह से पहला डिटर्मिनेंट तैयार हो गया। उधर चलते हैं वो साइड में, यहाँ पे सी क्रॉस डी करना है तो सेकंड रो में सी के कोऑर्डिनेट्स लिखना है, तो सी के कोऑर्डिनेट्स से 1 3 माइनस 2, तो हम यहाँ लिख लेंगे 1 3 माइनस 2, एंड थर्ड रो में आपको डी के कोऑर्डिनेट्स लिखना है 2 1 2 1 माइनस 3 2 1 माइनस 3। इस तरह से हमने यहां पे दोनों डिटर्मिनेंट तैयार कर लिए हैं, बस ये दोनों डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, देखते हैं क्या रिजल्ट हमें मिलता है। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है हमें, तो यहां मैन्युअली सॉल्व करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो आई का रो और कॉलम छोड़ो, फोर एलिमेंट्स में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो 2 प्लस 3
उसके बाद ये जे वाला टर्म माइनस में लेना होता है, इसका रो कॉलम छोड़ो और जो एलिमेंट्स बचे हैं उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, उसके बाद के और यहाँ पे के में के का रो कॉलम छोड़ो, फोर एलिमेंट्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। ये देखिए फाइनली हमने फर्स्ट डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लिया है, ये देखो ये इतना उसका रिजल्ट आया। चलो सेकंड डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं इनटू में, तो यहाँ पे सेकंड डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है बिल्कुल सेम प्रोसेस, आई आई का रो कॉलम छोड़ो और फोर एलिमेंट्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, माइनस नाइन प्लस टू, उसके बाद माइनस जे, जे का रो कॉलम छोड़ो, फोर एलिमेंट्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, माइनस थ्री प्लस फोर। देखो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते आना चाहिए आपको, हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो हम यहाँ नहीं बता रहे, यहाँ पे जो है हम जल्दी जल्दी से कर रहे हैं, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट सॉल्व करना बताएंगे तो और वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट वाले के ऊपर एक स्पेशल अलग से वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। सो के, के का रो कॉलम छोड़ेंगे तो ये वन माइनस ऑफ सिक्स, तो ये देखिए दोनों डिटर्मिनेंट को हमने सॉल्व कर लिया है, दोनों ब्रैकेट्स को में लिए हैं हमने, और अब ये देखो ये हो जाएगा यहाँ पे फाइव आई और ये हो जाएगा फाइव माइनस फाइव जे और ये हो जाएगा प्लस फाइव के, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट में दे दिए, फर्स्ट डिटर्मिनेंट का ये आ गया, सेकंड डिटर्मिनेंट का निकालेंगे तो सेकंड डिटर्मिनेंट का माइनस ऑफ सेवन आए, उसके बाद है माइनस ऑफ जे और उसके बाद आएगा माइनस ऑफ फाइव के। तो ये देखिए सेकंड डिटर्मिनेंट को भी हमने सॉल्व कर लिया है, अब इसके बाद क्या करना, अब ये देखो दोनों इक्वेशन जो है ये मल्टीप्लिकेशन में है तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर आप पूरे इक्वेशन में चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ नहीं है, ये ब्रैकेट इनटू ये ब्रैकेट है, लेकिन अब जाहिर सी बात है अब ये दोनों डिटर्मिनेंट के बीच में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे हम यहाँ पे डॉट दे देंगे, इट मीन्स हमें इनडायरेक्टली इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करना यानी ही इनडायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट करना, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे। सो आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के ऐसा करना होता है, तो यहां पे देखो आई का टर्म आई के साथ, जे का टर्म जे के साथ, के का टर्म के के साथ, सो आई डॉट आई करेंगे तो फाइव इंटू माइनस सेवन, तो यहां लिख लेंगे फाइव इंटू माइनस सेवन, ठीक है, माइनस हम बाहर ले लेते हैं, चलो यहां पे लिख लेते हैं माइनस फाइव इंटू सेवन ऐसा, ठीक है, फाइव इंटू माइनस सेवन, माइनस हमने बाहर रखे, उसके बाद माइनस फाइव इंटू माइनस वन, ठीक है, तो यहां पे ये दोनों प्लस हो जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस है इसलिए इस तरह से, ये देखो माइनस फाइव इंटू माइनस वन दैट इज प्लस ऑफ फाइव इंटू वन, उसके बाद ये फाइव इंटू ये माइनस फाइव तो माइनस बाहर दे देते हैं, तो यहाँ पे फाइव इंटू फाइव इस तरह से, ये देखिए बस इसको सॉल्व करो तो ये होगा माइनस ऑफ थर्टी फाइव और ये प्लस ऑफ फाइव, ठीक है, और ये माइनस ऑफ ट्वेंटी फाइव, ओके, और अब ये माइनस ऑफ थर्टी फाइव माइनस ऑफ ये ट्वेंटी एंड तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ फिफ्टी फाइव। तो फाइनली हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाल लिए हैं LHS, LHS हमें क्या मिला है, LHS हमें मिला है दैट इज माइनस ऑफ 55, ओके, ये पूरे इक्वेशन ये जो हमें प्रूफ करना है यहाँ पे लिखा है प्रूफ दैट, तो ये उसका लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, माइनस 55 आया है। चलो अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, चलो राइट हैंड साइड देखते हैं कैसे सॉल्व होता है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं एक मिनट, ये इक्वेशन हम नीचे लिख लेते हैं ताकि आगे हमें सॉल्व करने में आसानी हो। तो यहाँ देखो राइट हैंड साइड काफ़ी लंबा जाएगा इसलिए हम इधर से लिखते हैं, आरएचएस क्या दिया हुआ है, आरएचएस में काफ़ी ये बड़ा है, हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये हमें यहाँ पे जल्दी से आ जाए ताकि सॉल्व करने में आसानी हो, तो ये हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है और ये देखो ये आरएचएस में ये इतना लंबा इक्वेशन है। अब हमें यहाँ पर सभी की वैल्यूज पुटअप करना है, देखो ये हमने आरएचएस का इक्वेशन लिख लिया है, अब इसको ऊपर कर लेते हैं क्योंकि अब हमें यहाँ पे सभी का वैल्यू पुट करना है और इसको भी सॉल्व करना है, देखते हैं इसके थ्रू क्या आंसर आता है। LHS का आंसर तो माइनस 55 आ गया, राइट साइड का भी आंसर माइनस 55 आना चाहिए, अगर आ गया तो समझ लो गिवन इक्वेशन प्रूफ हो जाएगा, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे किस तरह से करेंगे, देखो यहाँ पे पहले ब्रैकेट में ए डॉट सी है और उसके बाद है बी डॉट डी, इसका मतलब ए और सी वेक्टर इक्वेशन का डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पे बी और डी वेक्टर इक्वेशन का डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट है तो आपको यहाँ पे आई जे के फॉर्म में इक्वेशन लिखना पड़ेगा, तो चलो यहाँ पे हम लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, तो सबसे पहले ए डॉट सी, ए डॉट सी लिखना है, तो देखो ए का वेक्टर इक्वेशन है आई माइनस टू जे माइनस ऑफ थ्री के, ये हो गया ए डॉट सी, सी है आई प्लस थ्री जे माइनस ऑफ टू के,
ये काफी लंबा जाएगा, ठीक है। ये हो गया ए डॉट सी। देखो आप चाहे तो इसको स्प्लिट करके आधा आधा सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ए डॉट सी पहले सॉल्व करो, फिर बी डॉट डी सॉल्व करो, फिर इसमें पुट करो। आप ऐसे अलग अलग सॉल्व करो वो भी चलता है, या एक साथ इक्वेशन में पुट करो तो भी चलता है। अभी हम यहाँ एक साथ लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया ए डॉट सी, ये पहले ब्रैकेट में हम इसको स्क्वेयर ब्रैकेट में दे देते हैं। उसी तरह से अब यहाँ बी डॉट डी करेंगे, तो बी, ये बी का वेक्टर इक्वेशन है, चलो यहीं से कॉपी कर लेते हैं बी का वेक्टर इक्वेशन। तो ये हमने यहाँ पे बी का वेक्टर इक्वेशन लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद डॉट बी डॉट डी है, तो डी का वेक्टर इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ से। ये देखो डी का वेक्टर इक्वेशन हमने ये लिख लिए, ओके। तो ये यहाँ पे इस तरह से ये ए डॉट सी बी डॉट डी हो गया। अब माइनस माइनस इसके बाद है ए डॉट डी, ठीक है ना। तो ए का वेक्टर इक्वेशन है हमारे पास, ये देखो ए का वेक्टर इक्वेशन, इसी को यहां से कॉपी कर लेते हैं, ये ए का वेक्टर इक्वेशन। उसके बाद डॉट डी, डी का वेक्टर इक्वेशन भी है हमारे पास, ये हम यहां से कॉपी कर लेते हैं। तो ये देखिए, उसके बाद इनटू नेक्स्ट यहां पे लिख लेंगे। उसके बाद क्या है बी डॉट सी, तो बी है हमारे पास, ये देखो ये बी है, ठीक है। तो ये हमने बी को यहां से लिख लिए, और ये बी, फिर इसका डॉट करना है किसके साथ, सी के साथ, तो सी भी है हमारे पास, ये देखो सी को यहां से कॉपी कर लेते हैं, और ये हमने लिख दिया है। और अब बस सभी में डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है। एक बार डॉट प्रोडक्ट कर लिए तो एक मिनट यहां पे, और अब देखो किस तरह से डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इसको ऊपर कर लेते हैं आप, क्योंकि सभी का वैल्यू पुट कर लिया है, देखते हैं इसका आंसर भी 55 आता है या नहीं। तो इसको स्टेप वाइज सॉल्व करो थोड़ा सा, अगर यहाँ पे गलती होगी तो गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए बिल्कुल आराम से सॉल्व करो। तो i डॉट i j डॉट j k डॉट k करना है, तो यहाँ पे i डॉट i करेंगे तो ये हो जाएगा 1, j डॉट j करेंगे तो माइनस 2 इंटू 3 माइनस ऑफ 6, k डॉट k करेंगे माइनस 3 इंटू माइनस 2 तो ये प्लस ऑफ 6, ये हो गया पहला ब्रैकेट। उसके बाद ये i डॉट i करो 2 इंटू 2 तो ये हो गया 4। उसके बाद जे डॉट जे करेंगे 1 इंटू 1 तो प्लस ऑफ 1, के डॉट के करेंगे माइनस 1 इंटू माइनस 3 तो ये प्लस ऑफ 3 है, ओके। उसके बाद माइनस है, और यहाँ पे आई डॉट आई करेंगे तो 1 इंटू 2 यानी 2, जे डॉट जे करेंगे माइनस 2 इंटू 1 तो माइनस ऑफ 2, के डॉट के करेंगे माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस ऑफ 9, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में करेंगे, ये हो जाएगा 2, फिर प्लस ऑफ 3 प्लस ऑफ 2, ये हमने फाइनली कैलकुलेशन कर लिया है, ठीक है। इसको हम बीच में लिख लेते हैं इधर, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। तो देखो इसमें कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगी, प्लस 6 माइनस 6 गया, प्लस 2 माइनस 2 गया, और अब जो बचा है वो लिख लो और देखो कि आंसर माइनस 55 आता है कि नहीं। तो ये ब्रैकेट में बचा 1, उसके बाद ये ब्रैकेट में हो जाएगा 8, माइनस ये ब्रैकेट में है 9, और वो ब्रैकेट में हो जाएगा 7। तो अगर आप इसको सबको प्लस माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा माइनस ऑफ 55। सो फाइनली RHS हमने सॉल्व कर लिया है, और RHS का वैल्यू भी माइनस 55 आ चुका है, ठीक है। इसके पहले LHS जो सॉल्व किए थे उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो और RHS को इक्वेशन नंबर 2 दे दो। और अब हम यहां पे लिख सकते हैं देयरफोर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी कैन से देयरफोर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। एक मिनट इसको हम इधर साइड में लिख लेते हैं, LHS इक्वल टू RHS। सो देयरफोर गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन कहाँ है, सो गिवन इक्वेशन जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दिया था वहां से हमें कॉपी करना पड़ेगा उसको, तो यहां से हम कॉपी कर लेते हैं, काफी ये बड़ा इक्वेशन है, ठीक है। तो ये हम यहां से कॉपी कर लेते हैं और फिर उधर लिखते हैं, और ये हमने यहाँ लिख दिया है, और यहाँ पे अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको एक क्लियर कट दिखाई दे। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया है कि देयरफोर जो प्रूफ करने के लिए कहा था वो हमने यहाँ लिख दिया है, और हैंस प्रूव्ड ये हम यहाँ लिख लेंगे, मेंशन कर लेंगे। तो देखिए फाइनली पूरा प्रॉब्लम आपके सामने है, काफ़ी ये बड़ा सोल्यूशन हो गया, यहाँ से स्टार्ट किए थे। तो सबसे पहले गिवन 4 वेक्टर्स हमने यहाँ लिखे, और पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किए, ये आया माइनस 55। उसके बाद हमने राइट हैंड साइड सॉल्व किए और कैलकुलेशन किए आपके सामने, और होने के बाद
राइट हैंड साइड का भी आंसर -55 आया. सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमें पता चलता है कि LHS RHS से मैं सो द गिवन इक्वेशन यहाँ पे प्रूव हो गया, हैंस प्रूव लिख लिए, प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया. आई होप ये भी प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा. आगे बढ़ते हैं. दो प्रॉब्लम्स अभी तक हमने सॉल्व किया है. जैसा हमने कहा था स्टार्टिंग में, टोटल आज हमें 3 प्रॉब्लम सॉल्व करना है. ठीक है, पहला प्रॉब्लम थोड़ा सा ईजी था, सेकेंड प्रॉब्लम लंबा गया और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी था, तो इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए. चलो अब थर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं. हमने कहा था स्टार्टिंग में कि थर्ड प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है. देखते हैं कि थर्ड प्रॉब्लम इससे भी लंबा है या नहीं. तो थर्ड प्रॉब्लम की तरफ अगर हम चले तो ये देखिए थर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आपके सामने है. तो थर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है सो दैट द गिवन वेक्टर्स आर कोप्लानर. और यहाँ पे 3 वेक्टर्स दिए हैं, ये देखो 1, 2, 3 वेक्टर्स है और इसमें यहाँ पे देखो ए अब्सेंट है. ये ए का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, चलो यहाँ पे हम बताते हैं आपको ये प्रॉब्लम क्यों इंपॉर्टेंट है. ये प्रॉब्लम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इस तरह के प्रॉब्लम अक्सर आते हैं. एग्जाम में ये टाइप के प्रॉब्लम क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दी होती है. कंडीशन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कंडीशन यहाँ पे ये है गिवन वेक्टर्स आर कोप्लानर. ये एक कंडीशन यहाँ पे दिए है. इसके पहले के वीडियोस में हमने आपको बताए थे कि गिवन वेक्टर्स कोप्लानर कब होते हैं, उसकी कंडीशन क्या होती है, वो हमने बताए थे उसमें. तो वही कंडीशन का हमें यहाँ पे यूज करना है. कोप्लानर वाले प्रॉब्लम जो है वो जनरली एग्जाम में आते हैं. और एक बात बताते हैं, जैसा हमने कहा सेकंड प्रॉब्लम काफी लंबा गया था, थर्ड प्रॉब्लम ये जो है ये बिल्कुल भी लंबा नहीं है, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोप्लानर की कंडीशन आपको यूज करना है. कंडीशन क्या है अगर आपको नहीं पता, चलो यहाँ पे कंडीशन भी हम आपको बता देते हैं. चलो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो है बिल्कुल स्टेप वाइज आपको चलना है. तो हम यहाँ पे सबसे पहले गिवन वेक्टर्स को असाइन करेंगे ए बी सी से. तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लेट गिवन वेक्टर्स. तो यहाँ पे लेट गिवन, हम यहाँ पे पहला जो इक्वेशन है वेक्टर इक्वेशन उसको हम ए से असाइन करेंगे वेक्टर ए, दूसरे को वेक्टर बी से और तीसरे को वेक्टर सी से. ठीक है, इस तरह से आपकी आपके ऊपर है, आप अल्फाबेट ए बी सी लेते हैं या पी क्यू आर लेते हैं, चॉइस आपकी है. ठीक है, आप कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये देखो ए बी सी तीनों को हम यहाँ पे असाइन कर रहे हैं, ये देखिए. और यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे किस तरह से सॉल्व होता है. एक मिनट, इसको प्रॉपरली सेट कर लेते हैं. और अब यहाँ पे हमें कोप्लानर ये कंडीशन का यूज करना है. तो क्वेश्चन में लिखा है कि गिवन वेक्टर्स आर कोप्लानर. ये देखो ये 3 वेक्टर्स हैं ए बी सी, ये तीनों कोप्लानर हैं, ऐसा बोलने का मतलब है. तीनों के यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, यानी कोएफिशिएंट्स जो कि है 3, 2, 1. इसके पहले के प्रॉब्लम्स में जैसा किए थे बिल्कुल वैसा ही है. ये भले ही इसका यूज हो या ना हो, आप इसके ऐसे कोएफिशिएंट्स जो है वो अलग से ब्रैकेट में लिखते जाओ, उससे क्या होगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफी आसानी होती है. ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से. अब देखो क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है उसका हम यूज करेंगे. तो हमें यहाँ स्टेटमेंट में यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, मेंशन करना जरूरी है कि सिंस इट इज गिवन दैट वेक्टर्स आर. तो अब यहाँ पे वेक्टर्स क्या है, ए बी सी है, तो ये वेक्टर्स हम यहाँ पे ए बी सी ऐसा कर लेंगे. ठीक है, ऐसा कहेंगे. सो सिंस इट इज गिवन दैट गिवन वेक्टर्स आर कोप्लानर. देखो स्टेटमेंट में लिखा है, तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर कोप्लानर, ये दिया हुआ है ना. ये स्टेटमेंट आप अपने मन से लिख सकते हैं, ये ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है, आप अपने मन से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है. सो अगर गिवन वेक्टर्स कोप्लानर है तो कंडीशन क्या है, सुनो आप. कंडीशन ये है, हमने बताई थी इसके पहले के वीडियो में, कंडीशन ये है कि अगर गिवन वेक्टर्स कोप्लानर होते हैं तो तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है. ठीक है, ये हमने बताए थे, तो लिख के रखो. अगर अभी भी आपके पास ये नहीं लिखा है तुरंत अपने नोटबुक में लिख के रखो, अगर गिवन वेक्टर्स कोप्लानर होते हैं तो तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है, यानी ए डॉट बी क्रॉस सी हमेशा जीरो होता है. इसको ब्रैकेट फॉर्म में लिखोगे तो भी चलता है. देखो ए बी सी हमने ब्रैकेट फॉर्म में लिखे, इट मीन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी सी जीरो. आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू जीरो. आप इसको ऐसा लिखो तो भी चलता, ऐसा भी चलता, लेकिन इक्वल टू जीरो देना जरूरी है क्योंकि गिवन वेक्टर्स कोप्लानर है. ठीक है, और अब जैसा हमने स्टार्टिंग के फर्स्ट प्रॉब्लम में किए थे, याद करो फर्स्ट प्रॉब्लम जो आज का हमने किए थे, उसमें हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट में सॉल्व किए थे ना. बस यहां पे इसको डिटर्मिनेंट में सॉल्व करो और आपको ए का वैल्यू मिल जाएगा. ठीक है,
तो चलो हम इसको डिटरमिनेंट में लिखते हैं। तो डिटरमिनेंट में आपको तीनों रो में क्या लिखना है, देखो यहां पे इक्वल टू जीरो लिखते हैं। फर्स्ट रो में आपको वेक्टर ए के कोऑर्डिनेट्स लिखना है, क्या है 3 2 1, तो हम यहां लिख लेंगे 3 2 1। सेकंड रो में आपको वेक्टर बी के कोऑर्डिनेट्स लिखना है, क्या है 7 a 1। और थर्ड रो में आपको वेक्टर सी के कोऑर्डिनेट्स लिखना है, वो क्या है 5 3 1। ओके, इस तरह से। और अब बस यहां पे ये डिटरमिनेंट को मैनुअली सॉल्व करना है, और मैनुअली सॉल्व करने के बाद यहां पे ए का वैल्यू 100% मिल जाएगा। तो चलो सॉल्व करेंगे। तो ये क्या होगा, 3 का रो कॉलम छोड़ो, जो एलिमेंट्स बचे उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ए माइनस 3, उसके बाद माइनस टू हो गया, इसके रो कॉलम छोड़ो, जो एलिमेंट्स बचे हैं वो उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 7 माइनस 5, उसके बाद +1, इसके रो कॉलम छोड़ो, और यहां पे बचेगा 21 माइनस ऑफ 5a इक्वल टू 0। देखो बस इसको सॉल्व करो, यहां से आपको 100% a का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा स्टेप वाइज ले लेते हैं। 3a माइनस ऑफ 9, ये हो जाएगा 2 2 4 माइनस ऑफ 4, और ये 21 विदाउट ब्रैकेट लिखते हैं +21 माइनस 5a इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद का स्टेटमेंट उधर लिखते हैं हम, 3a माइनस 5a हो जाएगा माइनस ऑफ 2a। ठीक है, ओके, और 9 4 ये हो जाएगा माइनस ऑफ 13, माइनस 13 प्लस ऑफ 21 सब्सट्रैक्शन करो तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ 8 इक्वल टू 0। ठीक है, ये माइनस 13 और ये प्लस 21 प्लस ऑफ 8। अब ये 8 को उधर शिफ्ट करो, सो माइनस 2a इक्वल टू माइनस ऑफ 8, सो a इक्वल टू 8/2, सो फाइनली a का वैल्यू हमें मिल जाएगा 4। तो इस तरह से फाइनली देखो हमें a का वैल्यू मिल चुका है, कितना 4। क्वेश्चन में जो a फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो ये a हमने फाइंड आउट कर लिया है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। और ये थर्ड प्रॉब्लम भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखो जैसा हमने कहा था, सेकंड प्रॉब्लम से बड़ा जाएगा थर्ड प्रॉब्लम, नहीं, सेकंड प्रॉब्लम से बड़ा नहीं गया, बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस तरह के प्रॉब्लम जनरली एग्जाम में आते हैं, और आगे चल के जो हमें टेट्राहेड्रॉन के भी कुछ प्रॉब्लम जो सॉल्व करना है वो इसी कंडीशन पे सॉल्व करना होता है, तो वहां पे भी ये काफी यूजफुल रहेगा। तो इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो फाइनली आज के वीडियो में जैसा हमने कहा था कि टोटल 3 प्रॉब्लम स्टडी करना है, तो यहाँ पे हमने तीनों प्रॉब्लम स्टडी कर लिए हैं। ये है प्रॉब्लम नंबर 3 आपके सामने, इसके पहले का ये है प्रॉब्लम नंबर 2 जो काफी बड़ा गया, इसको अगर हम छोटा करने को जाए तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, वो बोर्ड पे आपको प्रॉपरली दिखाई नहीं देगा। ये देखो ये सेकंड प्रॉब्लम और ये है फर्स्ट प्रॉब्लम। इस तरह से फाइनली आज के वीडियो में हमने 3 प्रॉब्लम्स स्टडी कर लिए। उम्मीद करते हैं सभी प्रॉब्लम्स जो आज हमें सॉल्व किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। ये सभी की आपको जरूर से प्रैक्टिस करना चाहिए। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे हमें इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करना है ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।